लेट्स मेक रोस्टेड बटरी कॉर्न। तो ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस होगी इस मानसून और आपके लिए। सो सबसे पहले हम बनाएंगे मैरिनेशन, जो मैरिनेट करेंगे हम, तो उसमें लेंगे दही, कुछ स्पाइसेस, मसाला और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसे साइड में रख के तवा लो या कढ़ाई लो, उसमें थोड़ा सा पानी हल्के से छिड़क दो और जो कॉर्न है उसे दो पीसेस में कट करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए पानी थोड़ा डाल के स्टीम कर लेना, अदरवाइज बॉयल कॉर्न डायरेक्टली ले लो। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें लेंगे थोड़ा सा बटर, थोड़ा नहीं ज़्यादा बटर। फिर जो कॉर्न है ना, हम उसको मैरिनेट करेंगे, जो हमने दही का मैरिनेशन बनाया है। इसे रोल कर करके चारों साइड से अच्छे से मैरिनेट करना है। और अगर जैसे रोल कर रहे हो नहीं प्रॉपरली वो अप्लाई हो रहा है, तो आप इस स्पून की हेल्प से इसे चारों साइड से मैरिनेट कर देना। अब इसी तरह से आपको चारों जितने कॉर्न आप बना रहे हो रोस्ट कर रहे हो सब मैरिनेट कर लेना, और जो बटर हमने लगाया था उसमें चारों को रख देना है। और फिर हम इसे ढक के पका लेंगे, 2 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे उसी बटर में। आप बीच में 2-3 बार बटर थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे रोस्ट कर लेना। फिर एक स्टिक लेंगे, जिसमें आप स्पून भी ले सकते हो, अदरवाइज स्टिक है वो टीका बनाने का होता है ना, स्टिक जो ऑलरेडी आता है वो ले लो और इन चारों को करके इस तरह से लगा के रोस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ गैस पे रोस्ट किया। अगर आपके पास वैसा ये कहते हैं कड़ियों का से आग वगैरह लगा के आप नेचुरली उस तरह से अगर रोस्ट करना चाहो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस तरह से भी करो। मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया। तो देखो ये तो अपना रेडी हो चुका है। तो अब इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर, अगर आपको बटर और चाहिए तो उस पर बटर लगा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली लेमन जूस इस पर आप अप्लाई कर दो। और हल्का सा नमक, पिंक वाला सॉल्ट होता है ना, या ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, इन सारी चीज़ों को कौन सा भी कुछ भी ले सकते हो या सब के सब लगा सकते हो। ऐसे अच्छे से मैरिनेट कर देना है और इसे एंजॉय करना। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी ना बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है। और आप ये रेसिपी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।